शायद उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हो और एक प्राइमरी स्कूल बनाओ, तो इनकी इतनी जुर्रत नहीं थी, इनको इतनी इस्तेआत अल्लाह ताला ने दी कि उस 20 साल पहले जो प्राइमरी स्कूल बना उसको ऊपर लेके जाए, अपग्रेड करें। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इसकी वजह यह है कि इनके लिए तालीम शायद मायने नहीं रखती, इनके लिए नौजवान का मुस्तकबिल मायने नहीं रखता, इनके लिए नौजवान से मिलना मायने नहीं रखता, इनके लिए नौजवान की बात सुनना मायने नहीं रखता, इनके लिए नौजवान के मुस्तकबिल के जो मामलात है वो मायने नहीं रखते। नहीं ये दस्तयाब है दोनों शख्सियात, नहीं ये नौजवानी नौजवानों के साथ इनकी ज़हनी हम आंगी है, और नहीं ये नौजवानों की अकासी करते हैं, नहीं ये नौजवानों की बात करते हैं। तो आए, मैं आपको बतौर नौजवान अपने नौजवानों तक मेरा पैगाम है कि ये दोनों हजार सीधे पते, ये दोनों 35-35 साल लगा के इस हलके पे राज करने वाले चले हुए कारतूस आपको कुछ भी नहीं दे सकेंगे। अगर आप अपने इस नौजवान का हाथ थामोगे, आप अपने नौजवान भाई मोहसिन अय्यूब का हाथ थामोगे, बैरिस्टर वकील और मोहसिन अय्यूब, खुदा की कसम मैं बड़ी बात नहीं करता, हम खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, हमें सिर्फ आपकी ताकत चाहिए, क्योंकि जो मौसूफ जो आजकल जहाज पे सवार है वो आल ऐलान ये बात करते थे कि आप सबकी इज्जत उनसे है। वो अहमद शायद भूल गए थे कि ये हल्के की आवाम का एतमाद, हल्के की आवाम की दी हुई इज्जत, हल्के की आवाम की दी हुई अमानत थी जिसकी वजह से उनकी इज्जत थी। तो ये इज्जत हल्के की अवाम की वजह से उनकी थी, न के उनकी वजह से हल्के की अवाम की थी। और दूसरे मौसूफ, क्योंकि मुझे बार बार हवाई अड्डे का जिक्र करना पड़ रहा है, आपको पता है इस बात का जो कौमी इदारों का हाल उस शख्स ने किया, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का हाल उस शख्स ने किया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, जिस तरह इस हलके के हर एक फर्द, हर एक नुमाइंदे, हर एक नौजवान, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग, हर एक गैरतमंद शख्स जो अपने आप को फखरिया तौर पे कहता है कि मैं हल्का यानी चमन का बासी हूं, मैं ठलिया का बासी हूं, मैं टेक्सला का बासी हूं, मैं बा का बासी हूं, मैं अडियाला का बासी हूं, मैं रनियाल का बासी हूं, उन सब का सर शर्म से झुका दिया गया। अपनी तो डिग्री जारी थी, खुदा का खौफ करो कि आपने ऐसी तोहमतें, ऐसे इल्जामात, फ्लो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर आपने ऐसे इल्जामात लगाए कि आज न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हमारे पायलट्स और हमारे हवाई जहाज कहीं भी जाने के काबिल नहीं। जो PIA का हाल निर्णय कर दिया है, पता नहीं कई लोग शायद सोचते होंगे कि ऐसी बातें बैरिस्टर साहब क्यों कर रहे हैं। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता रहा हूं, मैं आपको तारीख में जाकर बता रहा हूं। हमारा अलमिया ये है पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी आवाम का, हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हमारी हम बात को ज्यादा देर तक याद नहीं रखते। हम कहते हैं रात गई से बात गई। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, वक्त बहुत हो चुका, मैं आपका सब्र का और इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन बात यह है कि आपको ये चीजें देखनी होंगी, आपको तारीख उठा के देखनी होगी, वो कौन लीडर था जो कौम के साथ मुखलिस था, वो कौन था ऐसा लीडर था जिसने वाकई पार्टी के साथ रह के पार्टी को दगा दिए बगैर, पार्टी से बगावत किए बगैर, अपनी लीडरशिप से बगावत किए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के का नाम और इस हल्के में काम किए हो। आपका गिला आसिफ साहब बजाए, खुदा की कसम आपके गिले बजाए आजी मलिक उमर फारूक से, लेकिन थोड़ी इसकी भी मैं मजाक करूंगा, गिले अपनों से ही होते हैं, वो आपके अपने हैं, वो कोई गैर नहीं है, लेकिन हमारा आज ये पुरसाने हाल जो है ये गैरों ने किया, जिसका नाम चौधरी निसार अली खान है। और वजह उसकी ये है कि जब एक बड़ा पौधा, बड़ा दरख्त
और उसके साथ एक छोटा पौधा होता है, वो हमेशा उसके साए के नीचे दबा हुआ होता है। यहाँ पे अभी पिछली मीटिंग में भी बात हुई कि आप लोगों ने हमारे गैस के काम नहीं किए। मैंने कहा क्या खूब किस्मत है इस हल्के की कि दो ऐसी शख्सियत जो मेरे मुकाबले में है वो दोनों गैस के वजीर रहे। ये आपका हक था, ये आपकी बात थी कि आप मुंह चढ़ के जब गोद भर के आप वोटे उनको दे रहे थे, ये आपका काम था कि आप अपने काम की डिमांड करते। आपने उस टाइम अपनी जबान क्यों नहीं खोली? आपने झोलियां भर भर के उनकी वोटे, आपने ये बात मुतालबा क्यों नहीं किया कि हमें गैस चाहिए, हमें गैस दो, ये हमारा बुनियादी हक है। हाँ, हाजी मलिक उमर फारूक का कसूर ये है कि उसको चौधरी निसार अली खान ने कभी काम नहीं करने दिया। एक दर्जा चार का मुलाजिम जिसका नाम सुल्तान था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हल्के की आवाम को भी पता है, वो हल्के की आवाम भी जानती है कि वो सुल्तान चार ग्रेड का मुलाजिम, आगे चौधरी निसार का खड़ बेंच, उस वो हाजी मलिक उमर फारूक साहब को कहा जाता था कि जी इनको आप पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और थाने इनको चाय पिलाए, हाजी साहब की इज्जत और तवाजो करें और उसके बाद इनको चलता करें, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ उस चार ग्रेड के मुलाजिम की मानी जाती थी और उसकी चलती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछला इलेक्शन जिन हालात में लड़ा, मुश्किल वक्त में पार्टी का परचम बुलंद किया, मुश्किल वक्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नारा लगाया, उस टाइम नजर आ रहा था वफाकी हुकूमत पीटीआई की, सूबाई हुकूमत पीटीआई की, वफाकी वजीर पीटीआई का, सूबाई वजीर पीटीआई का, इनका तोती बोलता था। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपके इस शेर को, आपके इस नौजवान को उस टाइम भी इतनी ताकत दी, हिम्मत दी, अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं मैदान में था, मैं उस टाइम भी मैदान में था, मैं अभी भी मैदान में हूं, और खुदा की कसम आपको ये कह सकता हूं कि मुझे बिठाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन अल्लाह के करम से, आपकी ताकत से, आपकी अमानत से, आपकी वोट से मैं मैदान में हाजिर हूं, मैं मैदान में खड़ा रहूंगा। और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 वोट, ये जबान से कहना बहुत आसान बात है। हल्के की आवाम की उस वक्त भी मोहब्बतें, हल्के की आवाम ने उस वक्त भी जिस तरह साथ दिया और जिस तरह चले, खुदा की कसम मैं उनकी कभी खत्म ही नहीं कर सकता। वो पंजाबी में कहते हैं मैं उन्हें कभी मुका ही ना देना। लेकिन आज जिस तरह ये काफिला बढ़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, 5 साल मुतवातिर तौर पे हल्के में खिदमत और हल्के की आवाम की खिदमत की, और आज ये सिर्फ और सिर्फ उसका सिला है, ये आपकी मोहब्बतों का सिला है। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आप आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे, मोहसिन अय्यूब पे, हाजी मलिक उमर फारूक पे आपने एतमाद किया, और इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये पहली बार है, खुदा की कसम ये पहली बार है हम इतना ओपन होके हम वाकईतन अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले तो हमने दूसरों के इलेक्शन लड़े, इस दफा हमने अपना इलेक्शन लड़ा है और इस दफा हम अपना इलेक्शन लड़ के दिखा।